हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी क्या है, रात का टाइम हो रहा है, सब किचन विचन क्लीन हो गई मेरी। और तो मैं सोच रही हूँ कल बना दूँ थोड़ी सी दाल मखनी। शोना को नहीं बताते हैं, उसको सरप्राइज देंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको रेशियो दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक बाउल है, इसका पूरा एक फुल, और एक ही आइसक्रीम का है मेरे पास छोटे वाला कुल्लड़। तो इसके अंदर मैं जो है ये इतना राजमा, तो इन दोनों को मैं अच्छे से वॉश करके और मैं इसको भिगो दूंगी और कल मैं दाल मखनी बनाऊंगी। दाल मखनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है। चलिए अभी मैं इसको भिगो देती हूँ। अभी हो गया है सोने का टाइम और बस मैंने अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया है, तो मैं अब सोने जा रही थी। लेकिन 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 चाय के कप तैयार हो गए हैं। वो दिख गए, ये देखो, ये देखो। अब इनको चाय चाहिए इस टाइम। कोई मतलब कोई चाय पी के कैसे सो सकता है, टेल मी। देख कैसे सोता हूँ। तो ये चोपर मैंने पहले भी दिखाया है और बस मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस तरह की कटिंग ये करता है, और काफ़ी अच्छी करता है। और ये क्लिप मैंने ऐड इसलिए की है क्योंकि शोना जो देख रहा था वो देख रहा था हेरा फेरी मूवी, और ये इतना खुश था उसको देखकर, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो इसको तो कैप्चर करना बनता है कि ये कितना खुश हो रहा है ये मूवी देख कर। पुरानी है लेकिन इसको बड़ा मज़ा आया देखने में। हाँ पीता, मैंने क्यों उसे बोला मुझे पानी ठंडा दे दो। क्यों ये लेके आया, बर्फ़ के लिए हम रखते हैं इसको ऐसी, और इसमें पानी को इसने थोड़ा सा घुमाया और मुझे दे दिया ठंडा पानी। थैंक यू कीवू। सोचोगे इतनी तैयार शैर क्यों हो रही है। एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रही थी और मेरी जो कैमरा की बैटरी है वो चली गई, तो मैं बाहर बैठ गई और इन दोनों ने जाके मेरे कमरे पर जो है कब्जा कर लिया। तो मुझे बाहर बैठना पड़ा। हैं कब्जा नहीं, कब्जा कब्जा वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे मैन नहीं, इसमें कोई भी परफेक्ट हो सकता है, इट्स नॉट पर्टिकुलर अबाउट मैन। तो कुछ ऐसा ही हुआ है अभी। शोना को एक हिंदी में जो है संवाद लिखना था, संवाद तो बताना तो चाहिए ना, अपडेट तो सबको होनी चाहिए ना। तो पहले हमने उसे समझाया कि किस तरीके से, मतलब दो के बीच में जो बातचीत होती है आपको वो इसके अंदर लिखना है। तो पहले हम इतनी कोशिश करी उसको दो फूलों के बारे में कि चलो ठीक है, जैसे एक रोज़ हो गया एक मैरीगोल्ड हो गया, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने भी समझाया, तो उसके बाद फिर हमने कहा शोना ठीक है तुम ऐसा करो, तुम्हें जो भी समझ आती है ना तुम वो लिख लो, और उसके बाद फिर हमें दिखाना, अगर उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो हम आपको ठीक करा देंगे। तो शोना ने इतना अच्छा कंसेप्ट लिखा, चांद और सूरज के बीच में बात हो रही है, और इसने वो लिखा कि भाई मैं तुमसे रोशनी लेता हूँ फिर मैं वो धरती पर पहुँचाता हूँ। तो स्पेलिंग एक दो मिस्टेक थी, लेकिन जो इसने लिखा दैट वाज मतलब दैट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव। और बड़ा अच्छा लगा कि भाई मतलब अब वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है, एंड अभी वो जो है उसको फेयर नोटबुक में लिख रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये अपनी सीट पर बैठा हुआ काम कर रहा है। मैं और शोना इधर हैं और कीवू और अमित उधर दूसरे रूम में हैं। शोना तो अपना काम कर रहा है यहाँ पर और मैं भी लैपटॉप लेकर बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कुछ अच्छा सा और कुछ आइडिया आता है, कुछ काम करते हैं। गो टू योर रूम। नो 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 नो, मतलब भाई साहब उधर टीवी देख रहे थे, अब इधर आ गए हैं, अब इधर इनको लैपटॉप चलाना है। अच्छा ऐसे कौन करता है कीवू, शर्मा गई क्या, फोन काट दिया मम्मी। आज का नया अपडेट देते हैं, आज हमारे यहाँ हुआ है पेंट। जी हाँ पेंट हुआ है, लेकिन ये जो पेंट है ये कभी हमने जब दिवाली पे पेंट कराया था घर में ये तब का बचा हुआ है, और आज वो जो बंदा है जिसने पेंट किया है वो कंप्लीट करके गया है इसको। मैं दिखाती हूँ हमने कहाँ पे कराया है पेंट। देखिए ये जो ग्रिल है ये हमने पेंट कराई है अब, और ये दिवाली पर उस टाइम पर छूट गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास कि हम और दिन उनको यहाँ पर रोक कर रखते कि पेंट कराते, तो इसीलिए वो बंदा जो है आज आया और उसने आकर यहाँ पर पेंट किया। एंड बस आज का तो यही मेन काम हुआ है घर में, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज हमने नॉर्मल अपना रूटीन निकाला, डिनर में आज मैंने बनाए थे नहीं पनीर के पराठे। कैसे थे? अच्छे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ
इस बार जब मैं घर गई थी ना मुजफ्फरनगर गई थी मम्मी के पास, तो मुजफ्फरनगर मेरा ससुराल है, कभी वही है कन्फ्यूज़ हो जाएगा कौन से घर गई थी मम्मी, फिर समझाना पड़ता है थोड़ा सा। तो मम्मी की एक साड़ी है कभी उनके टाइम की, ठीक है, और ये मुझे ना काफ़ी पसंद है पहले से ही, जब मैंने कभी देखी थी मम्मी के पास तब से मुझे ये काफ़ी पसंद थी। मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो वर्क है ना बहुत सुंदर है, ये देखो इस पर इस तरीके से ना ये काम किया गया है। और एक सेकेंड में लाइट ऑन करती हूँ। हाँ सो ये देखो ये इस तरीके से इसके ऊपर ये काम हुआ है, इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये पूरा यू नो है तो ये मशीन वाला, बट इतनी सफाई से इतनी अच्छा फिनिशिंग है, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी हुई है बहुत सुंदर। तो इसको मैं जल्दी ही पहनने वाली हूँ। सो जल्दी इस साड़ी को मैं जो है एक अच्छा सा लुक देने वाली हूँ, मैं इसको जल्दी ट्राई करने वाली हूँ। तो मैंने मम्मी से बोला था कि इस बार मेरे को ये साड़ी दे देना, मैं इसको फिर वहीं जाकर ट्राई करूँगी। वैसे वहाँ भी कर सकती थी लेकिन टाइम इतना नहीं था, तो इसलिए मैं फिर इसको यहीं लेकर आ गई थी। ओए क्यों शोना पेन मत लगा दियो बेटा, शोना शोना भी आ गया देखने के लिए कि कौन सी साड़ी की बात चल रही है। सुंदर लग रही ना फ्लावर्स, इसलिए तो सोच रहा था भाई टी शर्ट है या कुछ और है। ये टी शर्ट कहाँ से दिख रहा है शोना? अरे आप लाई थी ना मैंने हैंड में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हैंड में ले रखी थी तो इसको लगा ये टी शर्ट है। क्वेश्चन है, शोना एक बात तो बताओ, सबको कैसे पता होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये बताओ। हाँ तो भाई ऐसे शुरू होता है, बता देना कि शोना को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। और इसने एंड भी बता दिया, अगर सुन गया तो ठीक है, अदरवाइज बस थोड़ा सा गेस कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट की ये बात कर रहा है। हाँ अगर फेवरेट फूड पूछना है शोना का क्या है, तो वो बस एक ही है, दाल मखनी दाल मखनी दाल मखनी। क्योंकि अभी शोना के यहाँ पे क्या है स्कूल में वो भी हुआ था एक कन्वर्सेशन, तो उसमें पूछा गया था योर फेवरेट फूड, तो उसमें भी शोना दाल मखनी दाल मखनी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड दोस्तों सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। बाय।